दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का लगता है, क्यों आसमां। मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, आप प्लीज मुमानी जान से बात करेंगे कि मुझे इजाजत दे दे पढ़ने की। तुम्हारी मुमानी को राजी करना तो बड़ा मुश्किल काम है। खैर, मैं उनसे बात करके देखूंगा। आपको तानिया का भाई कैसा लगा? अच्छा, अभी अमेरिका से आया है इंजीनियरिंग करके। उसे आप उसके पेरेंट्स से आप निकी की बात करें ना प्लीज। तुम रो रही हो? नहीं। अच्छा, तो फिर ये आंसू कैसे? आप और जुनैद भाई मेरे रिश्ते की फिक्र ना करें। मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरी वजह से कोई बदमस्ती हो। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ। इनका बीपी बहुत ज्यादा हाई है और ऐसी हालत में बीपी का बार बार इतना हाई होना मुनासिब नहीं। सब आप बताएं क्या किया जाए, आप ही कोई मेडिसिन सजेस्ट करते हैं बीपी की? इस कंडीशन में बहुत ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं होता, इन्हें वीकनेस बहुत ज्यादा है। मैं मल्टी विटामिन और कुछ ताकत की दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, लेकिन बीपी नॉर्मल रखने के लिए आपको इन्हें टेंशन से दूर रखना होगा। लेकिन मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, डाइट का भी पूरा ख्याल रखती हूँ। हाँ, कभी कभी अकेले होने की वजह से थोड़ा अपसेट हो जाती हूँ। जिनत साहब, मेरा ख्याल है कि आप अपने काम की मसरूफियात की वजह से अपनी वाइफ को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए तन्हाई का शिकार है। जीरक साहब, ऑफिस में मसरूफियत तो ज्यादा है, पर मैं कोशिश करूंगा देने वक्त। कोशिश नहीं, आपको वक्त देना होगा। मैं मेडिसिन लिख देती हूँ। हेलो, फोन जरा जल्दी उठाया करें। हो गया है कि इंतजार करने की आदत नहीं है मुझे, और ये सारी चीजें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। ये तो कोई अच्छी आदत नहीं है। अच्छी हो या बुरी हो मुझे नहीं पता, बस मैं ऐसे ही। अब सारी आदतों के साथ आपको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। और कौन कौन सी बुरी आदतें हैं आपने? बहुत सारी। जैसे कि? पहली ये कि जिद्दी, खुद सर, डोमिनेटिंग किस्म का इंसान हूं। मनमानी करने का बचपन से ही शौक है मुझे। अपनी चीजों को लेकर बहुत हसास हूं। क्या ये सब कुछ सच है? नहीं नहीं, इतना भी बुरा नहीं। कुछ अच्छी आदतें भी हैं मुझ में, मसलन के झूठ नहीं बोलता, लड़कियों से दोस्तियां बहुत की हैं लेकिन फ्लर्ट किसी के साथ नहीं किया, और हाँ, वादे का बहुत पक्का। क्या ये सारी खूबियां काफी नहीं? एक बात का यकीन नहीं आया, आपने कहा कि आप फ्लर्ट नहीं है। अगर वाकई ऐसा है तो आप उस दिन फंक्शन पर लड़कियों को घूर क्यों रहे थे? लड़कियों को नहीं, आपको देख रहा था। पहली नजर में आपकी खूबसूरती से मुतासर हो गया। किसी की खूबसूरती से मुतासर होने का वो मोहब्बत का नाम तो नहीं दिया जा सकता। बस यही सोच कर खुद को संभालता रहा। लेकिन जब आपसे पहली बार मिला तो एक ही लम्हे में समझ गया कि मेरा गुमशुदा हिस्सा मेरे सामने आके खड़ा, और इसीलिए प्रपोज कर दिया आपको। क्या हुआ, आप कुछ नहीं कहेंगी? क्या कहूँ? मेरा मतलब है कि मेरे बारे में आपके क्या एहसासात हैं, क्या सोचती हैं आप मेरे बारे में? मैं नहीं बता सकती, मेरा मतलब है मुझे नहीं पता। अगर नहीं पता तो कुछ सोच कर समझ कर ही हाँ बोला होगा आपने।
मुझे अभी खाना बनाना है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। चलें ठीक है, आप खाना बनाइए, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। बल्कि एक काम कीजिएगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कॉल बैक कर लूंगा। रिश्तों के कच्चे टांके हुआ था एक बार प्यार का एतबार। थैंक यू। ऐसे तुम कितनी बड़ी गुनी निकले ना मेरे सामने, उसे फारिग, फ्लर्ट और पता नहीं क्या क्या कहती रही, और उधर जाकर मोहब्बत का इजहार कर बैठी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे सब पता। क्या कहा उसने तुमसे? इस बातों को छोड़ो, ये बताओ उसने तुमसे क्या कहा? नहीं मोहब्बत का इजहार किया, नहीं फीलिंग्स बताई, या फौरन ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया? उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। रियली? पहली मुलाकात में शादी की बात? वाओ कितनी लकी हो तुम। और बताओ ना मुझे क्या क्या कहा उसने? और कुछ नहीं कहा। रुको, तुम इस तरीके से नहीं जा सकती, अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई। कोई और बात होगी तो बता दूंगी। मुझे बनाओ नहीं, अब मुझे बताओ। और वैसे भी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे सब पता होना चाहिए। एक बात तुम वैसे भी भूल रही हो, अहमद भाई जैसे हैंडसम बंदे से मैंने तुम्हें मिलवाया था, इस बात का तो क्रेडिट मुझे दे दो यार। अच्छा ठीक है, आप चले। हो गया कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, इसीलिए आपसे साफ साफ कह देता हूँ कि आपसे शादी करना चाहता हूँ। किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं। से कहा भी था कि मुझे खाना बनाना है और फिर सबको सर्व करना है, मगर आपने ये नहीं बताया था कि उसके बाद आपको बर्तन धोना, चाय बनानी है, सुबह उठ के आटा भी गूंदना और मामू जान को मेडिसिन देनी। किस बुरी जगह दिल लगा बैठा हूं? तो वह पछता रहे हैं। जाहिर है पछताऊं नहीं तो और क्या करूं? दुनिया की मसरूफ तरीन और संगदिल लड़की से जो मोहब्बत कर रहा हूं। संगदिल तो ना कहें। क्यों ना कहूं भाई, मैं तो कहूंगा। सारी दुनिया के लिए आपके पास बहुत वक्त है, सिर्फ वक्त नहीं है तो मेरे लिए। इतनी ज्यादती करने के बाद भी कह रही कि मुझे संगदिल ना कहूं, वाह क्या बात है। तो क्या करूं, बार बार आपका फोन रिसीव करूंगी तो मोमानी जान को शक हो जाएगा। फॉर गॉड से कुछ थोड़ा बहुत मेरा भी ख्याल कर लिया करें। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया कि जिंदगी में ऐसी लड़की से मोहब्बत कर बैठूंगा जिससे मिलना तो दूर की बात करना भी मुश्किल। खैर छोड़ें, पर ये बताइए कि आप मुझे अपनी शक्ल कब दिखा रहे हैं? क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि आपसे मुलाकात कब हो सकती है? अभी तो बहुत मुश्किल है। अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि अभी आके मुझसे मिले, एक दो दिन बाद जब आपके पास टाइम। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मुमानी बुला रही है, खुदा हाफिज़। आज जुबैदा आप आई थी, दो तीन रिश्ते बताए उन्होंने नगीन के लिए। आप ये तस्वीरें देख लीजिए तो वो बात आगे बढ़ाएं। तस्वीरें देखने का क्या फायदा, पहले ये पता करो कि लड़का कैसा है, उसका कारोबार कैसा है, करता क्या है, खानदान कैसा है उनका। याद नहीं है कि नाजो की दफा हमने कितनी छानबीन कराई थी? नाजो की शादी को तो 10 साल गुजर चुके हैं
और अब इन 10 सालों में वक्त बहुत तेजी से आगे निकल गया है, लोगों के रवैये बदल गए हैं। आजकल के लड़के वाले कहां लड़कियों के पीछे जूतियां चटखाते फिरते हैं। कैसी बातें कर रही हो, बिन माँ बाप की बच्ची को बगैर किसी छानबीन के किसी अरे गेरे नथु खेरे से ब्याह दूं, ये कैसे हो सकता है? अरे छानबीन करवाने का दौर तो अब गुजर चुका है, आजकल के लोग लड़कियों को तलाश करने में उनके साथ पुश्ते खंगाल देते हैं। और फिर अच्छे रिश्तों का तो वैसे ही काल है, नवाबों और रईसों की लड़कियां घर बैठे बैठे बूढ़ी हो गई हैं, और ये तो फिर यतीम है। यतीम है तो क्या हुआ, मैं तो अभी जिंदा हूँ। आपकी इन्हीं बातों की वजह से अगर ये लड़की घर बैठी रह गई ना, सारे अपने पराए मुझे इल्जाम देंगे कि अपनी ये लड़की की तो शादी इतने ऊंचे घराने में कर दी और मासूम यतीम भांजी के बारे में सोचा तक नहीं। खैर से 21 बरस की हो गई है, आप कोई मुनासिब रिश्ता देकर इसको जल्दी से रुखसत करवाएं। लाओ दिखाओ मुझे तस्वीर। ये लड़का मुझे कुछ ठीक लग रहा है, पता करो क्या करता। ये लड़का तो सरकारी मुलाजिम है, स्कूल में पढ़ाता है, 25,000 इसकी तनख्वाह है, और फिर 4 बहनों का इकलौता भाई है। मुझे किसी स्कूल टीचर से नगीन की शादी नहीं करनी, तुम फिक्र ना करो, नाजो को ठीक होने दो, वो खुद ही इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ लेगी। नगीन हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उसकी और जुनेद की। नाजो ने और जुनेद ने मुझसे वादा किया था कि वो नगीन के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देख लेंगे, तुम फिक्र ना करो, हो जाएगी उसकी शादी। कहाँ जाने की तैयारी है? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, जो कि रोज जाती हूँ। आज कुछ ज्यादा तैयार नहीं हुई, क्या बात है? क्या बात होगी भाभी, बाल ब्रश किए जो कि रोज करती हूँ। एक बात बताओ, कौन है वो? किसकी बात कर रही है? अच्छा बनो मत, वो कौन है सच सच बताओ जिससे तुम घंटों फोन पे बातें करती हो? मैंने तुम्हें खुद देखा है बात करते हुए। ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं जा रही हूँ। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो पूरी। तुम्हारी मामानी ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, सीधा साधा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मैं तुम्हें तस्वीर ला के दिखाऊं? मुझे नहीं देखनी, थैंक यू। अहमद प्लीज आप अपनी अम्मी को जल्दी से मना कर घर भेज दें, भाभी ने मुझे फोन पर बात करते हुए देखी, उन्हें शक हो गया, वो मानी जान अलग से रिश्ते ढूंढ रही है, वो बस मेरी जल्दी से शादी कर देना चाहती हैं। लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर वो तुम्हारी शादी नहीं कर पाते। अहमर अगर वो मुझसे जबरदस्ती करेंगे तो मैं इनकार भी नहीं कर सकूंगी। कम ऑन नगीन, तुम किसवीं सदी की लड़की, कोई तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं? क्या मतलब है तुम्हारी, तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ? नहीं अहमर, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा ये मतलब था या नहीं, लेकिन तुम्हारा अंदाज गलत था। मोहब्बत में एक दूसरे पर एतबार किया जाता है, इससे रिश्ते मजबूत हैं। यकीन में कोई फ्लर्ट नहीं है, और ना ही मैंने तुमसे दोस्ती टाइम पास करने के लिए की। जब हम पहली दफा मिले थे मैंने तुम्हें तभी प्रपोज किया था, और मैंने शादी की बात इसीलिए की थी कि तुम मुझे गलत ना समझो। I'm sorry. इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूंगा मैं। तो फिर कैसे मानेंगे? एक शर्त कि रोज रात को तुम्हें मुझसे 1 घंटा फोन पे बात करनी होगी, और हाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। सोच। ओके। कट। और अम्मी की तरफ से परेशान हूँ, मैं उन्हें जल्द तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूंगा। ओके।
लेकिन आज आप ही मामानी जान इतने रिश्ते ढूंढ रही हैं, इस बार तो मामू ने इनकार कर दिया है, हर बार तो वो भी इनकार नहीं कर सकेंगे। हो सकता है अगली दफा कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। तुम किसी को पसंद करती हो? मामू, ये आपकी अदरक वाली चाय। बेटे, अभी कुछ देर पहले तो तुमने मुझे चाय दी थी। वो आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं ना, तो मैंने सोचा शायद आपको चाय की तलब हो रही हो, इसीलिए चाय ले आई। अब समझा। तुम बेवक्त चाय मुझे अमूमन उस वक्त पेश करती हो जब तुम्हें कोई जरूरी काम होता है। अच्छा बताओ क्या चाहिए? मामू, मैं स्कूल टीचर से शादी नहीं करना चाहती, आप प्लीज मामानी जान को मना कर दें। ठीक है, तुम फिक्र न करो, मैं वहां तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। पर भाभी तो कह रही थी कि नहीं, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। हम तुम्हारे लिए रिश्ता जरूर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं हां सिर्फ उस जगह कहूंगा जो तुम्हारे लिए मुनासिब समझूंगा। फिलहाल तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एंड आई वांट अ गुड रिजल्ट विद डिस्टिंक्शन। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। ओके, गुड गर्ल। थैंक यू मामू। शादी की तैयारी सर पर है और तुम अपनी शादी का जिक्र लेके बैठ गए हो, पहले उसकी फर्ज से तो आजाद हो जाओ तुम। अम्मी, मैंने कब शादी की बात की? मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि वहाँ जाकर मेरी शादी की बात पक्की कर दें, बस। क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसे जाके मैं बात पक्की कर दूँ? लड़की कौन है, किस खानदान से है, कैसे लोग हैं वो? मेरी पसंद है तो यकीनन अच्छी ही होगी ना। बहुत खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। खूबसूरती का मैंने अचार डालना है? अब तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है? आजकल लड़कियों की खूबसूरती नहीं देखी जाती, देखा जाता है बैंक बैलेंस, किस खानदान से है वो। अम्मी, वो एक शरीफ खानदान की लड़की है और मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। वाह बेटा, अभी तो वो घर आई नहीं है और तुम उसकी हमायत में माँ से बहस करने लगे हो, और जब वो आ जाएगी तो क्या होगा? इसीलिए मैं सख्त खिलाफ हूँ बसंत की शादी के। वो जरूर कोई चलाक और मकार लड़की होगी, इसीलिए तो उसने तुम्हें फंसाया है। अम्मी, वो जो भी हो मगर चलाक और मकार नहीं है वो। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, इसी बेवकूफी की तो तवक्को थी मुझे तुमसे। मोहब्बत करना अगर बेवकूफी है तो बेवकूफी ही सही। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप मेरा रिश्ता लेकर वहां जाएंगी या नहीं, हाँ या ना। और अगर मैं ना जाऊं तो? ठीक है, ये काम भी मैं खुद ही कर लूंगा। तुम पागल हो गए हो, अपना रिश्ता लेके तुम खुद जाओगे वहां पर? अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे यही करना पड़ेगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं अपनी जिद की बहुत पक्की हूँ। मैं भी आप ही का बेटा, जिद में मैं भी उतना ही पक्का। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नगीन से करूं, आप माने या ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुड़ैल नगीन कौन है? अबू बता रहे थे तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने इनकार तो कर दिया, प्लीज आप भी एक बार मामानी जान से बात कर लें। अम्मी की तुम फिक्र ना करो, उनको मैं संभाल लूंगी। लेकिन आज आप ही मामानी जान इतने रिश्ते ढूंढ रही हैं, इस बार तो मामू ने इनकार कर दिया है, हर बार तो वो भी इनकार नहीं कर सकेंगे। हो सकता है अगली दफा कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। क्या हुआ, तुम अपसेट लग रही हो? मैं मामानी जान की मर्जी से शादी नहीं करना चाहती। तो बस ठीक है, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और वैसे भी अम्मी से मैंने कहा है कि तुम्हारे लिए रिश्ता मैं खुद ढूंढूंगी। तुम किसी को पसंद करती हो? कौन है वो?
उसका नाम अहमर है, वो मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। कहाँ मिली? मायदा की बहन की शादी पर गई थी, वो वहीं था। मैंने जब कह दिया कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, तो नाजनीन से और राहब से मशवरा करने की क्या जरूरत थी? नगीन, मेरी जिम्मेदारी है, उसका रिश्ता कहाँ होगा इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। आपकी भांजी के लिए मुझे भी रिश्ते ढूंढने का कोई शौक नहीं है। अरे जवान जहान लड़की है, घर से बाहर निकलती तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। शादी नहीं करनी तो उसे घर बैठाइए। आज उसने पढ़ने की इजाजत मांगी है, कल को वो नौकरी करने को कहेगी तो आप उसकी भी इजाजत दे दीजिएगा। क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गई है बच्ची की? ये खामोखा के अंदेशे वसवसे दिल से निकाल दो। वैसे भी तुम्हारी बहू से ज्यादा जिम्मेदार और सलीका शौहर है, सारा घर तो संभाल रखा है उसने तुम्हारा, और क्या चाहिए? आपसे तो बात करना ही बेकार है, उसमें आपको कोई बुराई नहीं नजर आती, सारी बुराइयां मुझ में और मेरी औलाद में नजर आती हैं आपको। ला हौला वला। हादी, हादी, मुझे पता है आप नहीं सो रहे, उठ जाओ और दूध पियो। शाबाश। मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, मुझे सोने दें। अच्छा लगता है या नहीं लगता आपको, पीना पड़ेगा। ओके चलो शाबाश, ले लो। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चलो अब सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा, पहले तो आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। चलो लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, सो जाओ। आप पहले मुझे स्टोरी सुनाओ। स्टोरी कल सुनाऊंगी। ओके अभी आंखें बंद करो और सो जाओ। शाबाश। हेलो। हेलो, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। हादी को सुला रही थी। हादी? ये हादी कौन है? मेरी बहन का बेटा है। बहन का बेटा यानी कजन का बेटा? तो क्या कजन के बेटे को सुलाना खिलाना पिलाना भी तुम्हारे फराज में शामिल है? तो क्या हुआ, ये सब कुछ मैं अपनी खुशी और अपनी मर्जी से तो करती हूँ। लिसन, शादी के बाद मैं तुम्हें ये सब कुछ करने नहीं दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि शादी के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर का ख्याल रखो, मैं अपने और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। I'm sorry, Ahmed, लेकिन मैं आपकी ये शर्त नहीं मान सकती। मैं शादी के बाद भी हादी को उसी तरह से ख्याल रखूंगी, बहुत अजीज है मुझे, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ इससे। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत किसी से शेयर नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारी बहन का बेटा क्यों ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे मामले में हद से ज्यादा पजा सकूं। आप एक बच्चे से जेलस हो रहे? क्या तुमसे मोहब्बत ही इतनी की? मोहब्बत जितनी गहरी होती जाती है इंसान उतना ही पजेसिव होता जाता है। जी नहीं, मोहब्बत ऐसी नहीं होती, मोहब्बत तो नाम ही खुशियां बांटने और देने का है। दूसरों का मुझे नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कुछ ऐसी है। मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे का वजूद नहीं, उसका जिक्र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्लियर? क्या मोहब्बत में इंसान वाकई इतना इनसिक्योर होता है? जुनैद भाई भी आपके बारे में पॉजेसिव है। वो प्रैक्टिकल और मैच्योर इंसान है। अहमद यंग है, इसीलिए एग्रेसिव है। आई थिंक उसकी बातों को लेकर तुम्हें डरना नहीं चाहिए, इनफैक्ट खुश होना चाहिए। देखो आजकल के ज़माने में इतना प्यार करने वाला इंसान मिलना आसान बात नहीं है। तुम बहुत खुश नसीब हो कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मैं खुश हूँ, लेकिन कभी कभार उसकी बातें सुनकर डर लगता है। कैसा डर? अजीब सा, मुझे उसकी सोच बहुत नेगेटिव लगती है। वो नेगेटिव नहीं है, तुम नेगेटिव सोचते हो। अच्छा सोचोगी अच्छा होगा। हेलो, अभी इस वक्त घर आ रहे हैं? क्यों इतनी जल्दी? क्यों रियली? अच्छा ठीक है, आ जाइए।
जी आते हुए मिठाई लेकर आइएगा। जी मैं अभी बताती हूँ उनको। ओके बाय। क्या कह रहे थे जुनैद भाई? उनकी प्रमोशन हो गई है। वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो आपको। थैंक यू। अम्मी को बताती हूँ मैं जाकर। माशाल्लाह मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। खुदा का लाख लाख शुक्र है, मैंने तो खबर सुनते ही दो नफल भी पढ़ लिए थे और रोहाब से कह के महल्ले भर में मिठाई बंटवा दी है। नगीन बेटा मुंह मीठा करवाओ सबका। सब कुछ तो तुम्हें आने वाली की किस्मत से मिल रहा है। माशाल्लाह से तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह खुश किस्मत होगी। जुनैद भाई अब आप हमें ट्रीट के लिए कब और कहां ले जा रहे हैं? जहां आप कहें, मुझे तो कोई एतराज नहीं। नगीन बेटा तुम और सुहाना जाकर खाने की तैयारी करो। नहीं हम लोग घर जाके खाना खाएंगे। नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, खाने का तो वक्त हो रहा है बेटा। नहीं अम्मी फिर कभी आ जाएंगे ना, इन्हें परसों दुबई जाना है दो दिन के लिए। मैं सोच रही थी अगर आप लोग माइंड ना करें तो निगी को साथ ले जाऊं। हमें क्या एतराज हो सकता है, बहन है तुम्हारी, जब जी चाहे ले जाओ इसे। तुम्हारा भी दिल बहला रहेगा और हमारे हादी मियां का भी ख्याल रखेगी। क्यों फाकर बेटा? ठीक है हम लोग जब जाएंगे ना तो तुम हमारे साथ जाओ। अम्मी प्लीज मान जाए, प्लीज मान जाए। उसके रिश्ते आ रहे हैं, अगर उसके मामू ने उसकी शादी कहीं और कर दी तो इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल जाएगी। प्लीज मान जाओ। अरे इस तरह की लड़कियों के कोई रिश्ते विश्ते नहीं आते, सब ढकोसले हैं उन लोगों के तुम जैसे लड़कों को बेवकूफ बनाने के लिए। मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको एतराज क्यों है। अरे बेटा अभी तो तुम्हें बहुत आगे जाना है, तुम्हारी शादी तो किसी पढ़ी लिखी लड़की से होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे कि एक यतीम मस्की लड़की से अपने लड़की की शादी कर दी, यही मिली थी क्या तुम्हें? और पसंद करना भी था तो अपने कॉलेज की किसी लड़की को पसंद करते, और वैसे भी डॉक्टर की शादी तो डॉक्टर से ही होनी चाहिए। किसने कहा है कि डॉक्टर की शादी किसी डॉक्टर से होनी चाहिए? हर जगह यही हो रहा है, अपनी खाला को ही देख लो, उनकी बहू और बेटा डॉक्टर है और बराबर का कमाते। मैं नगीन से मोहब्बत करता, आप मुझे अपना आखिरी बार फैसला बता दो, आप वहां जाएंगी हाँ या ना? उस नगीन के लिए तुम अपनी माँ से बहस कर रहे हो, अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर धमकी दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे ये दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया था, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या सोच सोच के मुस्कुरा रही? आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया, मुझे यकीन तक नहीं आ रहा। आज आप जिस मकाम पर हैं वो आप अपनी खुद की वजह से हैं, आप डिजर्व करते हैं, इतना मेहनत की है आपने। नहीं सिर्फ मेरी वजह से नहीं, इसमें तुम्हारी किस्मत का भी बहुत ही अमल दखल है। आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं,
कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुमने जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा बहुत साथ दिया है। मैं बीवी हूँ आपकी, ऑब्वियसली आपका साथ तो दूंगी ना। थैंक यू सो मच। क्या फॉर्मेलिटीज में पड़ गए हैं, हस्बैंड वाइफ में इस तरह की कोई चीज नहीं होती। मैं शुक्रिया तो अदा करूंगा पिछले 10 सालों के एक एक पल का। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक। मामा जी, पप्पू आ गई। क्या हाल है हाथी, कैसे हो? अरे गजेंद्र भाई कैसे हैं? उन्हें तो ले आती साथ। उनके पास टाइम कहाँ है, नया नया बिजनेस शुरू किया है तो उसी में बिजी रहते हैं। वैसे जुनैद भाई, आपको नाज़नीन को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर जाना ही था तो इन्हें मैके छोड़ आते। I'm sorry, जाना बहुत जरूरी, बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। अरे आप फिक्र ना करें, नगीन है ना मेरे पास, और वैसे भी 2 दिन में भाई हमें लेने आ जाएगा। इसके यहाँ होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, सारा दिन तो बच्चों की तरह हादी से खेलती रहती है, ये क्या ख्याल रखेगी। निकी बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ खेलती भी है और मुझे पढ़ाती भी है। हादी, आप निकी को नाम से क्यों बुलाते हैं, हाला या आंटी बोला करें। मैं निकी को आंटी क्यों कहूँ, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। हादी चुप करके खाना खाइए। आप नानी से कहना कि वो निकी को हमेशा के लिए यहाँ भेज दें। बेटा चलो खाना खाओ, ये लो और बनाने वाले। ये वाली मेरी फेवरेट पिक्चर है, तभी तो लगाई है मैंने यहाँ। हमारी फैमिली कितनी कंप्लीट लगती है ना इस पिक्चर में। कंप्लीट? मुझे तो लगता है कि इनकम्प्लीट है। ये भी तस्वीर यहाँ से उतरेगी, फिर हमारी बेटी आएगी, तस्वीर खींचेगी चारों की, फिर जाके कंप्लीट होगी, फिर तस्वीर लगेगी। ओके। और आपको कैसे पता कि बेटी की होगी? मुझे पता है, मुझे पता है कि बेटी होगी इस दफा। You're mad. जो भी हो, ये वाली तस्वीर तो यही रहेगी, यहां से हटेगी नहीं। ठीक है, फिलहाल मुझे वक्त होना भी। तो मैं बहुत मिस करूंगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहली दफा कहीं जा रहे हैं। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ज्यादा चाहने लगा हूं। जैसे जैसे हमारी शादी पुरानी होती जा रही है, उतना ही चाहता जा रहा हूं मैं तुम्हें। मैंने तो सुना था जब शादी पुरानी हो जाती है तो शोहर की मोहब्बत धुंधली हो जाती है। बकवास है ये सब, वो और किस्म के शोहर होते होंगे। मैं तो जिंदगी की आखिरी सांस तक सब तुम्हें ही चाहूंगा। Oh
हेलो जी, मैं नाज़नीन बोल रही हूँ, नगीन की बहन। जी 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 जी, मुझे नगीन ने बताया था आपके बारे में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके पास टाइम हो तो हम लोग बात कर सकते हैं? आपसे ज़रूरी बात करनी थी। जी बोलिए। अहमर नगीन के प्रपोजल्स आ रहे हैं, उसने मुझे आपके बारे में बताया था, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। तो फिर आप अपनी वालदा से कब मिलवा रहे हैं? देखिए, मैं नगीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी का वादा किया मैंने और अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन एक छोटा सा मसला है बस, और आई एम श्योर आप लोग मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे इस मसले में। मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल मेरी जो वालदा हैं वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है निकी? वो लड़का अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ तुमसे कैसे शादी कर सकता है? आप ही, वो कह तो रहा था कि अपनी अम्मी को मना लेगा। तुम ऐसे किसी शख्स के साथ कैसे शादी कर सकती हो जिसकी माँ तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती? से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, पागल मत बनो। और वैसे भी शादी दो लोगों की नहीं होती, दो खानदानों की होती है। अगर शोहर अच्छा हो तो बीवी सब कुछ आसानी से सह लेती है, ऐसा आपने ही तो कहा था। कहा था? मेरे लिए तुम छोटी बहनों की तरह, मुझे बहुत अजीज हो तुम। सारी जिंदगी तुमने उस घर में अम्मी के ताने सुने। मैं चाहती हूँ अब जिस घर में तुम्हारी शादी हो वहां तुम्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, सुकून से रहो। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं उसे बहुत चाहती हूँ, उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप मेरी मदद करेंगी, साथ देंगी मेरा? प्लीज। कैसा लगा आपको? इट्स लवली। क्या आप मेरा रूम भी इस तरह सेट कर सकती हैं? हादी, आप बड़े हो गए और बड़े बच्चों का रूम इस तरह से सेट नहीं होता है, ओके? बताओ, अच्छा है ना? पिंक बलून्स अच्छे लग रहे हैं? हाँ, लवली। निकी, तुमने अभी से कमरा क्यों सजा दिया? अभी तो बहुत टाइम है। ऐसे ही मेरा जी चाह रहा था और आपने ऊपर आके सारा सरप्राइज खराब कर दिया। आपको जुनैद भाई ने मना भी किया था ऊपर आने से। नहीं, मुझे तो नहीं किया। आप भी ना, इसे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपके भाई नीचे आए हैं। अच्छा, आप जाइए, मैं आती रखे। तुम फिक्र न करो बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब्बू, अम्मी को समझाइएगा, ये निकी कुछ मत कहे, उसका कोई कसूर नहीं है। मैं भाई की अम्मी का फोन आया था और वो तुम्हारा पूछ रही थी मुझसे, और सुनो, तुम्हारे घर का एड्रेस भी मांग रही थी वो मुझसे। मुझे लगता है जल्द तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आ रही है वो। मामू, मैं सबके साथ झूठ बोल सकती हूँ लेकिन आपके साथ नहीं।
मैं वाकई किसी लड़के से बात करती हूँ। एक्चुअली मुझे ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप मिल गई। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं?